दिल छोड़ आए। हमें पता था कि इनकी आवाज सुन के यहां तक जरूर पहुंच जाओगी तुम। ये कौन सा तरीका है किसी को बुलाने का? मेरा एक नाम भी है अमृत। अगर अपनी जुबान को थोड़ी सी तकलीफ देकर पुकार लेते तो नाम लेने पर भी मैं आ जाती। भगवानों का नाम लेना या उन्हें इज्जत देना हमें शोभा नहीं देता। इसका मतलब ये कि जो लोग धोखा देते हैं, वादा कर भूल जाते हैं या जिनकी याददाश्त कमजोर होती है, उन्हें इज्जत देके हम अपनी इज्जत कम नहीं करना चाहते। अगर अमृत वादे तोड़कर भागने वालों में से होती ना, तो इस वक्त आपके सामने खड़ी होकर आपसे इज्जत का भाषण नहीं सुन रही होती। मेरी मजबूरी सिर्फ इतनी है कि मैं जिनकी बेटी हूं, उन्होंने मुझे कभी वादा तोड़कर भागना नहीं सिखाया। सच? अरे तो इसके लिए तो तुम्हें नाम मिलना चाहिए। ये लो, रख लो। अरे रखिए, खास आप ही के लिए। इसे इनाम, ये पति का दिया हुआ प्यार भरा तोहफा मत समझना। ये वो बेड़ियां हैं जो हम चाहते हैं कि तुम हमारे सामने पहनो। ताकि जब इन्हें पहन के तुम घूमो, छम छम छम, इस आवाज से हमें पता चले कि तुम कहीं ना कहीं इस महल में घूम रही हो। हम ये जान पाए कि जिस खूबसूरत भला को हम इस घर के इस महल की बहू बनाकर लाए हैं, वो फिर से भागने की कोशिश तो नहीं कर रही। जब तक ये बेड़ियां तुम्हारे पांव में है, तब तक हम चैन की नींद सो सकते हैं। कहां जा रही हैं आप? पहनेंगी नहीं? अंदर जाकर पहन लूंगी। हमने क्या कहा था आपसे कि हम चाहते हैं कि आप इसे हमारे सामने पहनिए, आंखों के सामने। आई, पहन ली आपकी बेड़ियां। बेड़ियों का मतलब शायद आप समझते नहीं है। बेड़ियों का मतलब होता है कि आप हमारे बंधन में बंध चुकी हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।